भाई रियलमी ने अपने रियलमी C67 5 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, और इससे पहले मैंने इसका दो स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन करके दिखाया था। एक है रेडमी का 12 5G स्मार्टफोन और एक हमें रियलमी का ही स्मार्टफोन देखने वाला था। हम दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर चुके हैं और खुद रियलमी C67 5G का अभी हमारे चैनल पर गिवे चल रहा है। अगर आपने उस गिवे में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, लिंक मैं आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाओ और उसमें पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि आप में से किसी एक दोस्त को रियलमी C67 5G स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो फाइनल दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं Realme C67 5G वर्सेस Moto G54 5G स्मार्टफोन। दोनों ही काफी तगड़े स्मार्टफोन है और दोनों ही अपनी प्राइसिंग में बेहतरीन स्मार्टफोन में देखने में जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन से स्मार्टफोन में आपको कौन से स्पेसिफिकेशन अच्छे देखने मिलेंगे। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन अंडर 15,000 देखने को मिल जाते हैं, और अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूं तो उसमें आपको 1,000 से 1,500 का डिफरेंस देखने में जाता है, लेकिन हायर वेरिएंट की बात करूं तो वहां पर लगभग सेम ही प्राइस आपको दोनों स्मार्टफोन्स का पड़ जाता है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स से और जानते हैं कौन से स्मार्टफोन में कौन से स्पेक्स अच्छे देखने में जाते हैं। सबसे पहले मैं लुक एंड डिजाइन की बात करूंगा। Moto G54 5G स्मार्टफोन में देखने में जाता है कि बेसिक ही और सिंपल लुक एंड डिजाइन के साथ रियर साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप आपको देखने में जाता है, प्लास्टिक बैक आपको देखने में जाएगा, फ्लैट है डिजाइन है, थोड़ा बॉक्सी टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड पंच होल डिस्प्ले देखने जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, IPS LCD पैनल है, बेजल्स ठीक है, ना मैं ज्यादा कम कहूंगा और ना ही ज्यादा बेजल्स मैं कहूंगा, ओवरऑल अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो वो भी अच्छी खासी देखने जाती है, I mean कलर्स वाइज बात करूं या रिफ्रेश रेट बात करूं अच्छी डिस्प्ले हमें देखने जाती है। सेकंडली अगर मैं बात करूं रियलमी C67 5G स्मार्टफोन की तो यहाँ पर भी जो बैक का डिजाइन है वो हमें अच्छा देखने जाता है, यहाँ पर भी ड्यूल कैमरा सेटअप हमें देखने जाता है, ग्रेडियंट टाइप के कलर्स देखने जाते हैं एंड प्लास्टिक बैक यहां पर हमें देखने जाता है, थोड़ा बॉक्सी टाइप का डिजाइन है यहां पर भी, और फ्रंट साइड में आता हूं तो यहां पर मिड कंसोल डिस्प्ले देखने में जाती है, बेजल्स है अच्छे खासे, मतलब ये नहीं कहूंगा ज्यादा है या कम है, भाई नॉर्मल देखने में जाते हैं, ना ही कुछ ज्यादा और ना ही कुछ कम यहाँ पर देखने में जाते हैं, यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, IPS LCD पैनल हमें देखने में जाता है और ब्राइटनेस भी ठीक ही देखने में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेज की बात करूँ ना तो भाई दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले सेम देखने में जाते हैं, रिफ्रेश रेट वाइज कलर वाइज आपको कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा। हाँ डिजाइन वाइज है भाई, डिजाइन वाइज मैं हर बार आपको कहता हूँ भाई आपकी अपनी चॉइस हो जाती है डिजाइन के मामले में, अगर आपको भाई Moto G54 का डिजाइन अच्छा है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, रियलमी का डिजाइन है तो आप वो चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ कैमरा की तरफ, कैमरा की बात को तो भाई जो Moto G54 है वो 50+8 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा के साथ मिलता है, सेल्फी की बात को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है, रियलमी C67 की बात को तो सेम चीज लगभग यहाँ पर देखने जाती है, 50+2 का ड्यूल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, दोनों स्मार्टफोन के कैमराज हैं काफी अच्छे हैं। मैं आपको दोनों स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल्स हैं वो दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा देखने जाता है। तो आप हमारे डिस्प्ले पर कुछ कैमरा सैंपल्स देख सकते हो और यहाँ पर आपको एक छोटा डिफरेंस देख मिलेगा, जहाँ पर Moto G54 5G का कैमरा है बस थोड़ा हाँ आपको अच्छा देखने जाएगा। जी दोस्तों लिटिल बिट आपको इंप्रूवमेंट देखने में जाएंगे Moto G54 के कैमरा के अंदर एज टू कंपेयर करें रियलमी C67 5G के कैमरा से, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़े डिफरेंस के हिसाब से बात करूँ तो Moto G54 5G का यहाँ पर कैमरा अच्छा देखने जाता है। परफॉर्मेंस वाइज चल पड़ते हैं और परफॉर्मेंस की बात को तो यहाँ पर हमें जो Moto G54 5G यहाँ पर देखने जाता है मीडियाटेक डायनेसिटी 7020 चिपसेट, जो कि काफी अच्छा एंड काफी बेहतरीन चिपसेट है प्राइसिंग के हिसाब से, आप पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स इजिली यहाँ पर खेल सकते। तो मैं बात करूं रियलमी C67 5G स्मार्टफोन की तो यहां पर मीडियाटेक डायनेसिटी 6100 प्लस चिपसेट आपको देखने जाता है और ये भी परफॉर्मेंस वाइज चिपसेट काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं दोनों ही के स्मार्टफोन के एंटीटू बेंचमार्क स्कोरिंग की तरफ देखूंगा तो भाई जो Moto G54 5G है उसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोरिंग हमें हाई देखने जाती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई जो गेमिंग एक्सपीरियंस है यहां पर भी मैं कैमरा की तरह कहना चाहूंगा ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको अच्छा देखने में जाता है Moto G54 में, थोड़ी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको यहां पर अच्छा मिल जाएगा। लास्ट फाइनली अगर मैं बात करूं दोस्तों बैटरी बैकअप की तो दोनों स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं, तो यहां पर नो डाउट यार मैच डाई हो जाता है। तो ये दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन की जो कि हमने आपको बताई, हर एक स्पेक्स बता दिया कि कौन से स्पेक्स में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, कैमरा में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, डिस्प्ले में कौन सा अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे ओपिनियन की भाई मुझे इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। देखो यार अगर मैं कुछ हद तक की बात करूं ना, चाहे दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन कुछ हद तक डिफरेंस है, Moto G54
54 5G स्मार्टफोन बेस्ट है एज टू कंपेयर करें Realme C67 से, चाहे दोस्तों मैं कैमरा की बात करूं या परफॉर्मेंस की बात करूं। हाँ, कुछ चीजों में दोनों स्मार्टफोन बराबर रहते हैं, लेकिन कुछ चीजों में मोटो G54 5G स्मार्टफोन हमें आगे निकलता हुआ देखने को मिल जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मोटो G54 5G स्मार्टफोन बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है माइंड में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।